परिक्रमा मार्ग में आपको भारत के दो राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। वही दिव्य पत्थर जो राम सेतु बनाने में उपयोग में लाए गए थे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ यहीं पर निवास करते थे। हमने मध्य प्रदेश के चित्रकूट से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और दो कदम के बाद हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश में। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और भरत जी यहां पर मिले थे तो उनका प्रेम इतना तीव्र था कि उसकी गर्मी से पत्थर भी पिघल गए थे और उनके चरण के निशान यहां पर अंकित हो गए थे। श्री भरत जी ने भगवान श्री राम से उनकी चरण उपाधिका मांगी। यहाँ से नीचे की ओर भगवान श्री रामचंद्र जी की कुटिया थी, जिसका निरीक्षण निगरानी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से लक्ष्मण जी करते थे। ध्यान से देखिए इस पर्वत को। इस छोर से शुरू होता है, एक अर्धवृत्त की आकृति बनाता है और इस छोर पर आकर समाप्त हो जाता है। क्या आपको यह एक धनुष की आकृति की याद नहीं दिलाता है? एक बार फिर से देखिए। जी हाँ दोस्तों, यह पर्वत समर्पित है भगवान श्री राम को और इस वक्त हमें कामतगिरी पर्वत अर्थात जिसे चित्रकूट गिरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस वीडियो में आपको परिक्रमा कराने वाले हैं, दर्शन कराने वाले हैं इस पवित्र कामतगिरी पर्वत की। तो आइए शुभारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल भारत दर्शन स्टूडियो में। एक और खूबसूरत दर्शन यात्रा के साथ आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं और इस वक्त आपको लेकर आए हैं कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा पर। दोस्तों इस वक्त हमें मध्य प्रदेश की बहुत ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र चित्रकूट की यात्रा पर, और इस वीडियो में आपको दर्शन कराने वाले हैं चित्रकूट गिरी अर्थात कामतगिरी पर्वत के। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम को समर्पित यह पर्वत बहुत ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, धर्म और आस्था का प्रतीक है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के लगभग 11.5 वर्ष बिताए थे। यहीं पर भरत जी श्री रामचंद्र से मिलने आए थे, यहीं पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, यहीं पर श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों के निशान है। सब कुछ आपको दर्शन कराएंगे इस वीडियो में। इस परिक्रमा मार्ग से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि सीक्रेट है आपके लिए, आगे हम आपको जरूर बताएंगे। एक छोटा सा हिंट आपको दे देते हैं कि इस परिक्रमा मार्ग में आपको भारत के दो राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। चलिए क्या है आगे आपको दिखाएंगे। सबसे पहले प्रसाद ले लेते हैं। तो हमने प्रसाद ले लिया है, तो चलिए शुभारम्भ कर दें। दोस्तों इस पूरे दर्शन यात्रा में, इस परिक्रमा में बहुत सारे अनगिनत मंदिर पड़ेंगे। अगर हर एक मंदिर के दर्शन करेंगे तो एक मूवी से भी बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, लेकिन सारे प्रमुख मंदिर के दर्शन इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। वहाँ के महत्व, वहाँ से संबंधित सारी जानकारी पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही रोमांच, धर्म और आस्था से भरपूर यह वीडियो आपको बहुत ही आनंददायक होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने दर्शन यात्रा में कामतगिरी पर्वत के भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करते हैं, जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। चलिए दर्शन करते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कामतानाथ जी का यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत और इस परिक्रमा मार्ग के साथ साथ पूरे चित्रकूट धाम में बहुत ही पवित्र और सबसे ज़्यादा मान्यता वाला यह मंदिर है। यहाँ के बारे में सारी जानकारी हमारे पंडित जी हमें देंगे, तो चलिए जानते हैं उनसे यहाँ के महत्व के बारे में। यहाँ का प्रमुख दर्शन है भगवान कामतनाथ जी, काशी जी में जाएंगे विश्वनाथ जी है, जगन्नाथ जी जाएंगे जगन्नाथ भगवान है, कामतनाथ भगवान भगवान होते हैं। वही वाले प्रतिमा है, वही कामतनाथ भगवान प्राकृतिक है, कुदरती पर्वत से प्राकृत है, स्वयं भू पर्वत पूरा इनका विराट शरीर है। शरीर की परिक्रमा 5 किलोमीटर की होती है प्रदक्षिणा, जो मुखारविंद का ऐसे दर्शन हो रहा है। पीछे पर्वत है, पर्वत में संगमरमर का मंदिर का रूप दिया गया है। भगवान श्री राम जब वनवास में आए थे, यहाँ निवास करके इनका पूजन किए थे। 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे थे भगवान। उनके निवास और पूजन करने से इनका नाम चित्रकूट गिर के बजाय कामतगिरी कामदानाथ हुआ। पहले चित्रकूट गिरी नाम से थे, फिर ये कामतगिरी कामदानाथ हो गए, सब कामनाओं को पूरी करने वाले विष्णु भगवान है।
इनके मुख में अनादिकाल से 40 ग्राम भगवान विराजमान है। जैसे हमारे आपके दाढ़ दांत है, ऐसे 40 ग्राम भगवान ही अनादिकाल से मुख में संख्या में साफ गुजरे हैं और विद्यमान है, उन्हीं का दर्शन का लाभ आपको होगा। ये जो प्रतिमा है भगवान श्री राम जी की है, ये स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित है, पन्ना स्टेट मध्य प्रदेश में, वहाँ के राजा थे, उनकी कामना पूरी हुई थी, उन्होंने स्थापना कराई थी 150 वर्ष पहले, और शुरू में परिक्रमा मार्ग उन्हीं ने बनवाया था। हिंदी समझ में आता है, थोड़ा दिखा उनके 40 ग्राम भगवान का दर्शन लेंगे, बस 1 मिनट का और समय लेंगे, तो कराते हैं जिनका हम पूजन स्नान आदि करा के विराजमान कर देते हैं, और 5 अपनी जगह में है, गिनते हैं, हम लोग मात्र पूजन कर पाते हैं, बाहर नहीं निकलते, पूरी तरह स्नान नहीं करा पाते, स्पर्श से ही पूजन जल चंदन आदि जो भी होता है, तो कभी कभी जब उनको पूरी तरह स्नान करना होता है तो अंदर से कभी जल आता है, उनको स्नान कराता है, अपने आप कभी दूध आता है, कभी दूध में जल सफेद जल करते हैं, साल में 2 साल में 3 महीने 6 महीने 5 साल 10 साल में जब उनकी इच्छा होती है अंदर से आता है। बोले नारायण विष्णु भगवान की, रामकनाथ स्वामी की, देखेंगे सभी लोग देखेंगे, स्वयं स्वयं भी ओरिजिनल मेन टेम्पल। जय जय अम्मा, यहाँ पे जय श्री कामतानाथ जी। जैसा कि पंडित जी ने बताया है, भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कामतानाथ स्वामी यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं, पूरा पर्वत इनका शरीर है और इनके दिव्य मुख के दर्शन अभी हमने किए हुए हैं, जिसके चारों ओर यह भव्य मंदिर बनाया गया है। भगवान श्री कामतानाथ जी के मुंह में शालिग्राम जी भी निवास कर रहे हैं, जिनके दर्शन भी पंडित जी ने हमें कराए हैं, उम्मीद है आपने भी दर्शन किए होंगे। चलिए इस पवित्र दर्शन के बाद मंदिर से बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं और आगे दर्शन की यात्रा में अग्रसर होते हैं। कामतानाथ जी के मंदिर के ठीक बाजू में कामना देवी मंदिर है, आइए माता के दर्शन करते हैं। जहाँ के कण कण में श्री राम है, वहाँ श्री हनुमान जी ना हो ऐसा तो संभव नहीं है, और श्री हनुमान जी के स्वरूप बंदर यहाँ पे अनगिनत संख्या में है। तो अगर आपके साथ आप कोई खाद्य सामग्री या प्रसाद लेकर चल रहे हैं तो उसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, और बंदरों को बांटने के लिए यहाँ से आप केले और बिस्किट खरीद सकते हैं, उन्हें वितरित कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में कण कण में श्री राम और पग पग में देवी देवताओं के असंख्य मंदिर हैं। सभी के दर्शन अगर वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन सारे प्रमुख दर्शन हम आपको कराएंगे। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ यहाँ पे विराजमान हैं। दर्शन कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। साथ ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे गए हैं वही दिव्य पत्थर जो राम सेतु बनाने में उपयोग में लाए गए थे। दर्शन कीजिए इन दिव्य पत्थरों का और चलिए यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दर्शन नहीं छोड़ा जाता, सब लोग देखो सुनो, कोई पैसा रुपया नहीं लगता, भगवान का चरण चिन्ह है पत्थरों में, इतनी दूर से आना होता है, सब लोग देखो सुनो, इधर से परिक्रमा किया जाता है, ऐसे निकल के सभी लोग भैया मुख्य दर्शन नहीं छोड़ा जाता, सब लोग देखो सुनो, भगवान का चरण चिन्ह है पत्थरों में, राम काम मेन मिलाप तुम्हारे हो खुशी से चढ़ाओ फूल पत्ती अगरबत्ती रुपया 10 रुपया तुम्हारे न हो दर्शन करो हाथ जोड़ भगवान जा जा नाच पाओ तुम धारा धन्य भूमि बन पंथ पारा।
भगवान के चरणों की सेवा होती है। जो इच्छा करी हो मनमाही राम कृपा कष्ट दुर्लभ ना है। दया धर्म करुणा जहां तहां प्रगटे श्री राम। दोस्तों, यह पर्वत वही पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के लगभग 11.5 वर्ष बिताए थे। यहीं पर उन्होंने पर्णकुटी का निर्माण किया था और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ यहीं पर निवास करते थे। उनकी स्मृति में यहाँ पे विग्रह की स्थापना की गई है। तो बोलिए जय श्री राम। शुरुआती भाग में हमने आपसे कहा था कि इस परिक्रमा मार्ग में हमें भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। हमने मध्य प्रदेश के चित्रकूट से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और 2 कदम के बाद हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश में। नहीं देखा? चलिए रिवाइंड करते हैं। ध्यान से देखिए इस गेट पर जहां पर लिखा है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, कामतगिरी परिक्रमा पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। दोस्तों, यहां से शुरुआत हो जाता है उत्तर प्रदेश की सीमा का और अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में। आधी परिक्रमा हमारी संपन्न होगी उत्तर प्रदेश के अंदर और वापस हम पहुंच जाएंगे अपने मध्य प्रदेश। सामने है महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम और प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि जब भरत जी भगवान श्री राम को मनाने उन्हें वापस अयोध्या वापस ले जाने आते हैं तो चित्रकूट पर ही वो भगवान श्री राम से मिलते हैं। उनके साथ माताएं और गुरु वशिष्ठ भी आते हैं तो उनकी स्मृति पर बनाया गया है यह आश्रम। चलिए भगवान श्री राम के, माता सीता के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर एक सुंदर दृश्य और बनाया गया है अनुसुईया माता का, जो कि उन्होंने तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे बच्चे बनाकर उन्हें पालने में डाल दिया था, उसका भी एक सुंदर दृश्य यहाँ पर बनाया गया है। उसका भी एक और वीडियो हमने बनाया हुआ है अनुसुईया माता के आश्रम के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर इस प्रसंग से संबंधित विस्तृत कथा बहुत ही अच्छे से हमने बताया हुआ है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जो इस पूरे परिक्रमा मार्ग का, इस दर्शन यात्रा का सबसे मार्मिक और भावुक प्रसंग है। अगर आपने रामायण देखी है तो कैसे भरत जी भगवान श्री राम को मनाने, अपने भैया को घर वापस ले जाने के लिए चित्रकूट आते हैं, यहीं पर उनका अभिषेक करके उन्हें राजा बनाकर उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए, उसी प्रसंग को जीवंत रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर भगवान श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ था, जिसकी निशानी आज भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, भगवान श्री राम और भरत जी के चरण चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं और उससे जुड़ी कथा हम आपको आगे बताएंगे। चलिए चलते हैं। सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं ना, यहीं पर आज भी मौजूद हैं भगवान श्री राम और भरत जी के चरण चिन्ह, उनके मिलाप की निशानी वह भावुक कथा आज भी कहती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और भरत जी यहाँ पर मिले थे तो उनका प्रेम इतना तीव्र था, इतना प्रगाढ़ था कि उसकी गर्मी से पत्थर भी पिघल गए थे और उनके चरण के निशान यहाँ पर अंकित हो गए थे। स्पष्ट आप देख सकते हैं, जैसे किसी गीली मिट्टी पर पैर रखने पर पैरों के निशान बन जाते हैं, वैसे ही पत्थरों पर यह पैर के निशान बने हुए हैं। दोस्तों,
स्पष्ट आप देख सकते हैं पैरों के निशान है पत्थर के ऊपर, और इसे हमने छू कर देखा है, ये ओरिजिनल पत्थर है और स्पष्ट पैरों के निशान आप देख सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के निशान यहाँ पर हैं, भरत जी के चरणों के निशान यहाँ पर हैं, और आगे छोटे छोटे मंदिर और भी बने हुए हैं दो, वहाँ पर सीता माता लक्ष्मण जी इन सब के चरणों के निशान यहाँ पर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यह निशानी आज भी है पृथ्वी पर भगवान श्री राम और भरत जी के प्रेम की, जो कि हम सब के लिए आशीर्वाद स्वरूप विद्यमान है। आइए दर्शन करते हैं। श्री भरत जी तो पूर्ण प्रेम भाव से अपने भैया श्री रामचंद्र जी को वापस ले जाने, उन्हें उनकी राजगद्दी वापस देने के लिए आए थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचन की आन रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए 14 वर्ष के वनवास के संकल्प को पूर्ण करने की बात कही। तब श्री भरत जी ने भगवान श्री राम से उनकी चरण पादुका मांगी, ताकि उसे ही वो सिंहासन पर रखकर उसके आशीर्वाद के छांव में अपने सारे राज्यकार पूर्ण कर सकें। और भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी चरण पादुका भरत जी को आशीर्वाद स्वरूप भेंट की, जिन्हें उन्होंने सिर पर धारण करके अयोध्या वापस लेके गए और उनके आशीर्वाद की छांव में अपने राज्यकार संपन्न किए। दोस्तों, परिक्रमा में अब हम दर्शन करेंगे श्री लक्ष्मण जी के मंदिर का। यह मंदिर स्थित है पहाड़ी पर, ऊंचाई पर, जहां पर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है, और अगर आप चाहें तो रोप वे के माध्यम से भी आप उस पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। और यहां से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है, ऊपर पहाड़ी पर चलकर आपको बताएंगे। हमने रोप वे का सहारा इसलिए लिया ताकि यहां की सुंदर घाटियों को अपने कैमरे में कैद कर सकें और उन दृश्यों को आप तक पहुंचा सकें। आप भी आनंद लीजिए इन हसीन वादियों का और दर्शन करेंगे भगवान श्री लक्ष्मण जी के मंदिर का, और जानेंगे वहाँ से जुड़ी कथाएँ। यह श्री लक्ष्मण जी के मंदिर का परिसर है, और यह ऊपर इतनी ऊंचाई पर क्यों बना है, इससे जुड़ी एक कथा है, चलिए आपको बताते हैं। जैसे वैष्णो माँ जाते समय भैरव मंदिर जाना जरूरी है, इसलिए इन खम्भों को मिलना जरूरी है। लक्ष्मण पहाड़ी में इसी को तो मानता है, इन खम्भों को मिलने का। भगवान लक्ष्मण जी की चौकी है, इनको बड़े भाव से मिला जाता है, गले मिलिए। यह श्री लक्ष्मण जी की चौकी है, जहाँ से वो नीचे स्थित भगवान श्री रामचंद्र जी की कुटिया, यहाँ से नीचे की ओर भगवान श्री रामचंद्र जी की कुटिया थी, जिसका निरीक्षण निगरानी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से लक्ष्मण जी करते थे 12 वर्ष तक, जब तक यहाँ पर श्री रामचंद्र जी रहे। बगैर खाए पिए सोए श्री लक्ष्मण जी ने अपने भैया की सेवा की, यहाँ से वो सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी करते रहे, ताकि कोई किसी प्रकार की क्षति उन्हें ना पहुँचा सके। भगवान श्री शंकर जी यहाँ पर विराजमान है, दर्शन कीजिए कमेंट बॉक्स में, जय श्री राम जय भोलेनाथ जरूर लिखेगा। आगे यहाँ पर जब भरत जी चित्रकूट आए थे,
तो श्री रामचंद्र जी से मिलने के बाद लक्ष्मण जी से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, उसी स्मृति में बना हुआ है श्री लक्ष्मण जी भरत जी के मिलाप की यह चौकी। आइए चलते हैं मुख्य मंदिर के अंदर, जहां पर हम दर्शन करेंगे भगवान श्री लक्ष्मण जी के। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, शीर्ष नाग अवतार लक्ष्मण जी। 12 साल न भोजन किया है न सोए हैं, तब जाके विजयी प्राप्त कर पाए हैं, नहीं राक्षसन के बिना से न हो। चरणा में तो ले आओ, टीका लगा ले आओ। हाँ दादा जी, 12 साल का भोजन। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि यह एक मान्यता वाली जगह है, मन्नत वाली जगह है। यहाँ पर श्रद्धालु सच्चे हृदय से जो भी मनोकामना मांगता है वह जरूर पूर्ण होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं द्वारा अपनी मन्नतों के प्रतीक स्वरूप बनाए गए ये पत्थरों के स्तंभ यहाँ पर बहुत सारी संख्या में उपस्थित हैं। और यहाँ पर हैं श्री लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। यह स्मृति स्वरूप बनाया गया है, कृत्रिम रूप से बनाया गया यह चरण चिन्ह है, आप देख सकते हैं पत्थरों पर अंकित किया गया है, यह प्राकृतिक नहीं है, इसे अंकित किया गया है। यह स्मृति स्वरूप है भगवान श्री लक्ष्मण जी के चरणों की, वंदना कर सकते हैं आप, दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करके हम चलेंगे पहाड़ी के नीचे और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों कामतगिरी परिक्रमा एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ी मान्यता है, जिसके संबंध में कुछ बातें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हमने अपनी परिक्रमा यात्रा मध्य प्रदेश से प्रारंभ की थी और परिक्रमा मार्ग में मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में हमने प्रवेश किया था। वापस हम प्रवेश कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सीमा पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो गेट बना हुआ है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का आप गेट देख सकते हैं, यहाँ से हम बाहर हो जाते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से और वापस से मध्य प्रदेश की सीमा में हम प्रवेश कर रहे हैं। दरअसल चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है, जिसका आधा भाग मध्य प्रदेश में है, आधा भाग उत्तर प्रदेश में है। रामघाट दर्शन वीडियो में भी यही दृश्य आप देख पाएंगे, रामघाट का आधा भाग आप मध्य प्रदेश में पाते हैं, आधा उत्तर प्रदेश में। यही तो खूबसूरती है हमारे भारतवर्ष की। चलिए आगे दर्शन करते हैं। परिक्रमा के अंतिम चरणों में आप दर्शन कर पाएंगे सभी देवी देवताओं के, जहां पर सभी देवी देवताओं के सुंदर सुंदर मंदिर और विग्रह विराजमान हैं, जिनमें श्री बाके बिहारी लाल, श्री राधा रानी सरकार, श्री महादेव, श्री शंकर जी भगवान, हनुमान जी भगवान, दुर्गा मैया, काली मैया, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज और भी असंख्य मंदिरों के दर्शन आपको इस परिक्रमा मार्ग में होंगे। दोस्तों लगभग सभी महत्वपूर्ण दर्शन हमने अपने इस परिक्रमा मार्ग में, इस दर्शन यात्रा में कवर किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्रियजनों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत भूमि के सभी तीर्थ क्षेत्र और पर्यटन से संबंधित ऐसी वीडियोज़ रेगुलर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यहीं से हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की थी और यहीं पर हमारी कामतगिरी परिक्रमा यात्रा सम्पन्न होती है। तो बोलिए जय श्री राम।